पार्ट से आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कुछ स्टूडेंट लोगों को काफी ज्यादा पर्सन चेंज के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू चेंज पर्सन, पर्सन को कैसे चेंज करना है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को जानना है सन स्ट्रक्चर के बारे में। सन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे क्या होता है सन स्ट्रक्चर। यहां पे दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, हम लोग याद कर लेंगे 1, 2, 3, 123। तो वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन को आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी को चेंज अकॉर्डिंग टू एस सब्जेक्ट, मीन्स यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार आई और वी को, मीन्स फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, ही टू को ऑमिट करने के लिए सैड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। पहले भी बताया जा चुका है ही टोल्ड मी, कॉमा ऐसा मान लिया जाता है कि अपने आप ऑमिट हो गया। इन्वर्टेड कॉमा को डैड में चेंज कर लेते हैं डैड। ये रहा आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब सैड, रिपोर्टिंग वर्ब सैड के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज कर लेंगे ही। आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे, यहां पे ही हो जाएगा। और आई रोट अ लेटर, मैंने उसके लिए एक पत्र लिखा, मैंने उसके लिए एक पत्र लिखा। सो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर लिया जाता है। जैसे कि देखते हैं ही है, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। ही हैड, अभी जस्ट मैंने बताया कि V3 यूज करते हैं, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। राइट, रोट, रिटेन, मीन्स ये सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म रिटेन होगा। रिटेन अ लेटर टू आइडियस, यहां पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हर, इस सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर है, क्योंकि इस सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, सी थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पे हर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन यू को रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सेकेंड पर्सन यू, यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लेते हैं। सी सेड टू हिम, वह उससे कहे तुमने उसे एक पुस्तक दिया है, तुमने उसे एक पुस्तक दिया है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन यू को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कर्म के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू। देखते हैं फिलहाल, सी टोल्ड ही, यू को हिम के अनुसार चेंज कर देंगे। यहां पे यू जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में, इसलिए हिम को भी सब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखेंगे। दैट ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। He had given, him जो है थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। He a book, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। I said to her, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। सो हम देखते हैं यहां पे सी जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो कोई भी अगर थर्ड पर्सन हो, ही सी इट दे और नेम्स, जो नेम वगैरह होते हैं, राम सीता हरि गीता कविता वाट एवर जो कुछ भी, तो ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते इसमें भी। सी ये थर्ड पर्सन का है, अब देखते हैं सी को मींस थर्ड पर्सन ही सी इट दे एंड नेम्स, ये मींस नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं। आई टोल्ड हर दैट सी, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में परिवर्तन कर देते हैं, मींस इज एम आर को वाज अ वर्ब में चेंज कर देते हैं, यहां पे सी है तो वाज का प्रयोग कर देंगे, यहां सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई होप कि एक पर्सन का चेंजिंग आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।